सो टेकनेट के ट्रेलर में जून को रिटर्न देख काफी सब्सक्राइबर्स कमेंट में पूछ रहे थे कि जैसे टेकनेट में जून रिटर्न आ रही है तो क्या ऐसे ही ओगर भी टेकनेट में रिटर्न नहीं आ सकता, क्योंकि वो भी तो जून के ही जैसे बस एक ही गेम में अपेयर हुआ था। टॉपिक तो काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है बट अब वो वीडियो वैलिड नहीं रही और मेरे बोलने के बाद भी कोई देखेगा नहीं, इसलिए इस पर फिर से वीडियो बना रहा हूँ बट फुल्ली डिटेल में। तो चलिए फिर पता लगाते हैं क्या टेकनेट में ओगर भी जून के ही जैसे रिटर्न आ सकता है। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अगर नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अभी इसी के साथ लेट्स बिगिन। सो टेकन 3 सीरीज में ऐसा पहला गेम था जिसका मेन बॉस मिशिमा फैमिली या डेविल जिन से कनेक्टेड नहीं था, एंड दैट वॉज एशियंट ओगर ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ फाइटिंग, जो कि एक एलियन प्लस डीमन है। तो सबसे पहले ओगर के हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं जो गेम में पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बताई गई है, बट अदर कैरेक्टर्स की प्रोफाइल में हमें ओगर के एशियंट पास्ट के बारे में काफी कुछ पता चलता है। जैसे गेम में द लेजेंड ऑफ नेटिव अमेरिकन का कहना है कि ओगर वॉर का एक वेपन था जिसे आउटर स्पेस के क्रिएटर्स एशियन टाइम में अर्थ पर छोड़ गए थे, जो स्ट्रॉन्ग सोल्स की तलाश में अर्थ पर भटकता रहता है। जिसके बाद हमें ओगर का मेंशन हियाची की प्रोफाइल में मिलता है जो मिशेल चैंग की प्रोफाइल से कनेक्टेड है, क्योंकि टेकन 1 के दौरान हियाची ने मिस्टर चैंग यानी कि मिशेल चैंग के फादर को हांगकांग से अमेरिका भेजा और वहां पर एक एशियन ट्रेसर को ढूंढने का काम दिया जो नेटिव अमेरिका लैंड में कहीं स्थित था। एंड काफी साल रिसर्च और ढूंढने के बाद मिस्टर चैंग को फाइनली वो ट्रेसर मिल गया जिसे ढूंढने के लिए हियाची ने उसे अमेरिका भेजा था। बट मिस्टर चैंग देखते हैं कि ये कोई ट्रेसर नहीं है बल्कि एक मिस्टीरियस पेंडेंट है और हियाची को यही चाहिए था, लेकिन मिस्टर चैंग को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए मिस्टर चैंग हियाची को पेंडेंट ना देने का फैसला करते हैं और इसे सेफ रखने के लिए अपनी डॉटर मिशेल चैंग को पेंडेंट दे देते हैं। और जब हियाची को इसके बारे में पता चलता है कि मिस्टर चैंग को वो पेंडेंट मिला था बट उन्होंने उसे कहीं छुपा दिया, तो हियाची इस बात से गुस्सा हो मिस्टर चैंग को मरवा देता है। और कई साल बीत जाने के बाद मिशेल को अपने फादर के डेथ के बारे में पता चलता है कि हियाची ने उसके फादर को मरवा दिया था। अब ये पता चलने के बाद मिशेल द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है ताकि वो हियाची से बदला ले सके, बट मिशेल टूर्नामेंट जीत नहीं पाती। पर टूर्नामेंट में हियाची को उसके पेंडेंट के बारे में पता चल जाता है जिसे कई साल पहले मिस्टर चैंग ने छुपा दिया था। अब इससे पहले कि हियाची मिशेल से वो पेंडेंट ले पाता, बट टेकन 1 में काजुया ही हियाची को मार देता है, जिसके बाद काजुया को भी उस पेंडेंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए काजुया भी उस पेंडेंट को पाने के लिए मिशेल की मदर को किडनैप कर लेता है ताकि मिशेल द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट 2 में पार्टिसिपेट करे और काजुया उसका पेंडेंट चुरा ले, जिसके लिए काजुया गानरियो को इस काम पर रखता है। बट टूर्नामेंट में गानरियो मिशेल को देखते ही उससे प्यार हो जाता है, इसलिए काजुया को वो पेंडेंट नहीं मिल पाता और मिशेल पेंडेंट और अपनी मदर को लेके वहां से निकलने में सक्सेसफुल रहती है। अब टेकन 3 में फिर हियाची मिशिमा ज़ेबासु का बॉस बन जाता है और मिशेल भी एक अनाथ बच्ची को गोद ले उसका नाम जूलिया चैंग रखती है। और इस पेंडेंट के बारे में हमें टेकन ब्लडलाइन एनिमे सीरीज में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी स्टोरी गेम से थोड़ी अलग है, क्योंकि गेम में हियाची को वो पेंडेंट मिल जाता है जिससे वो मैक्सिको में ओगर को जगा देता है और ओगर जागते ही स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की सोल्स को एब्जॉर्ब करने लगता है जिसमें से एक जून भी थी, जिसका बदला लेने के लिए जिन ओगर को द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट 3 के दौरान उसे मार देता है। बट ओगर मरने के बाद उसकी बॉडी एक लाइटनिंग विस्फोट के साथ गायब हो जाती है, इसलिए हियाची ओगर को नहीं पकड़ पाता, बट हियाची को ओगर का ब्लड मिल जाता है जिससे वो टेकन 4 के दौरान अपने साइंटिस्टों के द्वारा खुद पर ओगर के डीएनए से इमोर्टैलिटी का एक्सपेरिमेंट करता है। बट हियाची के अंदर डेविल जीन ना होने के कारण एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसके बाद हमें ओगर टेकन 5 के मिनी गेम डेविल विदिन में दिखता है, जहां जिन को पता चलता है कि उसकी मदर जी कॉर्पोरेशन में अभी भी जिंदा है, इसलिए जिन अपनी मदर को ढूंढने के लिए जी कॉर्पोरेशन जाता है बट वहां उसे अपनी मदर नहीं मिलती। लेकिन जिनको वहां ओगर का पता चलता है कि शायद जी कॉर्पोरेशन ने ओगर को फिर से जिंदा कर दिया है या उसका क्लोन बना लिया है, जिसके बाद जिन ओगर से फाइट कर उसके थर्ड फॉर्म मॉन्स्टर ओगर को भी डिफीट करता है। बट ये जो टेकन 5 की मिनी गेम स्टोरी है ना, ये अभी तक कंफर्म नहीं की गई है कि ये स्टोरी टेकन सीरीज में कैनन है या फिर नॉन कैनन है। सो यही थी टेकन सीरीज में ओगर की हिस्ट्री। बाकी और भी गेम्स में ओगर अपीयर हो चुका है बट उनकी स्टोरी कैनन नहीं है या वो गेम ही कैनन नहीं है। सो अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस और थ्योरीज के बारे में कि ओगर कैसे टेकनेट में अपीयर हो सकता है। तो सबसे पहला वे
है जी कॉर्पोरेशन, क्योंकि जैसा कि आपने सुना कि जिन को जी कॉर्पोरेशन में ओगर या उसका क्लोन मिला था जिससे जिन ने फाइट भी की थी, सो हो सकता है कि ओगर भी टेकनेट में एज अ क्लोन अपीयर हो या फिर वो रियल ओगर भी हो सकता है, क्योंकि हियाची के साथ काजुया को भी टेकन 2 से ही ओगर के बारे में सब पता था, इसलिए में भी हो सकता है कि काजुया ने जी कॉर्पोरेशन के थ्रू ओगर को पकड़ लिया हो, और जी कॉर्पोरेशन जैसे जैक्स के क्लोन बनाती है वैसे ही वो ओगर के भी क्लोन्स बना सकती हैं, क्योंकि डेविल विदिन मिनी गेम में हमने हियाची के भी क्लोन्स देखे थे। सो या ये हो सकता है कि ओगर टेकनेट में क्लोन के थ्रू अपना रिटर्न करे, क्योंकि वैसे भी अब काजुया की डेविल आईडी के बारे में सबको पता चल गया है, तो काजुया डिस्ट्रक्शन के लिए लोगों को मारने के लिए कैद ओगर को छोड़ सकता है। सेकंड वे है फ्लैशबैक, क्योंकि जब जून टेकनेट में जिन से मिलेगी तो वो उस इंसिडेंट के बारे में जरूर बताएगी कि टेकन 3 के दौरान वो ओगर से कैसे बची। सो मे बी इसी मोमेंट पर जब जिन बेहोश हो गया था तो जून और ओगर की फाइट दिखाई जाए और इसी फ्लैशबैक में ओगर अपीयर हो। इसके अलावा फन फैक्ट ये भी जान लो कि टेकन 3 के इंट्रो में ओगर किसी वुमन का सर अपने हाथों में पकड़ते हुए दिखता है, जिससे ये बात काफी फैल गई थी कि ये सर जून का है, क्योंकि टेकन 3 में ओगर ने उसे मार दिया था। बट टेकन के डायरेक्टर हरड ने इसके बारे में कन्फर्म किया था कि ये सर जून का नहीं है, ना ही वो मरी है, वो बस अभी मिसिंग है, इसलिए टेकनेट में हमने जून का रिटर्न देखा। नाउ अगले प्रेडिक्शन की बात करें तो ओगर टेकनेट का मेन बॉस भी हो सकता है, क्योंकि ओगर कोई आम कैरेक्टर या आम बॉस नहीं है, वो काफी पॉपुलर है, इसलिए मे बी शायद ओगर अर्थ पर वापस आए, बट ये दूसरा ओगर होगा, क्योंकि हमने नॉन कैनन एंडिंग्स में ये भी देखा था कि ओगर एक एलियन है जो एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। सो क्या पता कोई अदर ओगर टेकनेट में अपियर हो, या अगर आपको स्ट्रीट फाइटर क्रॉस टेकन की ओगर एंडिंग याद हो तो उसमें ओगर पेंडोरस बॉक्स में स्पेस में वापस चला गया था, इसलिए ये भी एक थ्योरी कही जा सकती है कि ओगर टेकन की करंट टाइमलाइन में अर्थ पर नहीं है, इसीलिए वो बाकी गेम्स में भी नहीं दिखा। अगले थ्योरी की बात करते हैं, वो चांग्स पेंडेंट जो ओगर से काफी कनेक्टेड है, क्योंकि उससे ओगर को जगाया या कंट्रोल किया जा सकता है। बट उस पेंडेंट के बारे में हियाची को कैसे पता चला, उस पेंडेंट को किसने बनाया, ओगर का उस पेंडेंट से प्रॉपर क्या कनेक्शन है, गेम में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। और टेकन 3 ही लास्ट गेम था जिसमें इस पेंडेंट की लास्ट अपीयरेंस दिखाई गई थी, और हमने टेकन ब्लडलाइन एनिमे सीरीज में भी इस पेंडेंट को देखा था, जो मे भी अभी तक ये पेंडेंट जूलिया के पास ही होगा। एंड अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते कि ये पेंडेंट टेकन 8 में भी फिर से दिखेगा या नहीं, बट इसका भी ओगर से इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, जिसका यूज काजुया ओगर को जगाने या कंट्रोल करने के लिए कर सकता है। सो अब इसके बाद में आपको लास्ट ओगर के अपीयरेंस की प्रेडिक्शन बता देता हूँ, जो काफी हद तक अजाज़ेल से मैच करती है, क्योंकि टेकन ब्लडलाइन एनिमे टेकन 3 पर ही बेस्ड है, जिसमें ओगर के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो टेकन ब्लडलाइन में जब ओगर पहली बार जून के घर अपीयर होता है तो इसका रीजन हियाची बताता है कि टेकन 3 में ओगर जून को नहीं बल्कि जिन को मारने आया था, क्योंकि ओगर तभी अपीयर होता है जब वो मोस्ट पावरफुल फाइटर्स को महसूस करता है, ताकि ओगर उनकी सोल्स को एब्जॉर्ब कर सके, और जिनके अंदर तो पहले से ही डेविल्स पावर है। सो जब जिन ने गलती से अपनी पावर्स का यूज किया था तो ओगर ने जिनको महसूस कर लिया, जिसके बाद वो उनके घर पे अपीयर हुआ। और ऐसी ही सेम चीज हमने एंडिंग में भी देखी थी कि जब जिन अपनी डेविल्स पावर का यूज नहीं कर रहा था तो ओगर भी अपीयर नहीं हो रहा था, बट जब हियाची उसकी फीलिंग्स को हर्ट करता है, उसे फाइट में थका देता है, तो जिन अपना काबू खो देता है। डेविल्स पावर का यूज कर वो हियाची को डिफीट करता है, और तभी ट्रू पावर के कारण ओगर जिन को फिर से महसूस कर लेता है और एक बार फिर अपीयर होता है। और टेकनेट में भी यही चीज हो सकती है, क्योंकि जिन इस बार ट्रू डेविल फॉर्म में आने वाला है, जिसमें उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि ओगर ना चाहते हुए भी अपीयर होगा, और इस बार तो काजुया भी ट्रू पावर का यूज कर रहा है। सो क्या पता ओगर काजुया पर भी अटैक करे, क्योंकि ओगर को बस ट्रू पावर को एब्जॉर्ब करने से मतलब है, चाहे वो किसी के पास भी क्यों ना हो। या फिर अगर डेवलपर्स ओगर को टेकनेट की मेन स्टोरी लाइन में नहीं दिखाना चाहते तो ओगर किसी सीजन या डीएलसी के थ्रू भी अपना रिटर्न कर सकता है, बट मेरे ख्याल से ओगर काफी पॉपुलर कैरेक्टर है और टेकन 3 के बाद से वो किसी भी गेम में अपीयर नहीं हुआ है, बिल्कुल जून के ही जैसे, इसलिए इसके चांसेस ज्यादा है कि डेवलपर्स ने जून के ही जैसे ओगर को भी टेकनेट के लिए बचा के रखा था, क्योंकि इतने पॉपुलर कैरेक्टर को यूज ना करने का कोई रीजन नहीं बनता, इसलिए चांसेस तो है कि ओगर टेकनेट में अपीयर हो सकता है। सो सारी प्रेडिक्शंस और थ्योरीज मैंने आपको बता दी, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, ओगर टेकनेट में अपीयर हो सकता है? तुम्हारे पास अगर कोई थ्योरी है तो मुझे बताना कमेंट में। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलूंगा मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।